हेलो टू ऑल, आई एम द स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन योर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर LLB ऑनर्स. सो लेट स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सिंगल इंस्टेंट ऑफ द अनएनिमस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वॉज द, यह पूछा कि द सिंगल इंस्टेंस एनी एग्जाम्पल ऑफ अनएनिमस, अनएनिमस मीन्स एकजुट, मीन्स टुगेदर, एकजुट सहमत होना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब तक हुआ सो फार वॉज द इलेक्शन ऑफ नीलम संजीवनी रेड्डी, संजीवा रेड्डी सॉरी. एंड नेक्स्ट मूव टुवर्ड एंड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर ऑफ 1975. सो ये ऑप्शन इज W. Giri और GNE जेल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद और सनकारदयत शर्मा. सो ये करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद. सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट इज करेक्ट. इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज अ प्रेसिडेंट इज करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है. तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज अ प्रेसिडेंट, सो योर ऑप्शन इज, ऑप्शन ए इज ही शैल कंटिन्यू टू द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं. ऑप्शन बी ही शैल सीज टू बी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. मूविंग टुवर्ड अनदर क्वेश्चन. सो अनदर क्वेश्चन इज सेइंग दैट, सॉरी, सो अनदर क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. सो यू हैव टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. हियर गिविंग स्टेटमेंट्स, सो देयर कैन बी मोर देन वन स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी ट्रू. सो प्लीज इफ द क्वेश्चन कम्स लाइक दैट, सो प्लीज डू इट केयरफुली. सो द ऑप्शन इज द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मीन्स द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट. ऑप्शन सेकेंड इज इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोग्यूज पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व द लोकसभा. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट हु एक्चुअली एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करता है, और क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर का जो जितने यू कैन से दैट हु इज एक्चुअली उस पावर को परफॉर्म करता है. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज है प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बट प्राइम मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाई प्रेसिडेंट. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके रिकमेंडेशन पे अपॉइंटेड ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, किसके रिकमेंडेशन पे एक जो पर्सन होता है वो अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन ए. योर द क्वेश्चन इज दैट हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन ए इंटर स्टेट कमिश्नर, और ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी डिफेंस मिनिस्टर. सो करेक्ट ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिटरमाइन और लेस डाउन मीन्स डिटरमाइन.
अपॉइंटेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, इसमें से कौन सा आर्टिकल डिटरमाइन करता है, लेज आउट डाउन करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट सॉरी बाय द प्रेसिडेंट, कि किस आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर जो होता है अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. तो योर ऑप्शन ए इज आर्टिकल 74, नहीं आर्टिकल 84, नो तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज आर्टिकल 75. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्राइम मिनिस्टर हैज फर्निश सच इंफॉर्मेशन और गिव सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर. किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बोल रहा है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं कंट्री के हैज़ फर्निश सच इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देते हैं रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, और किसके रिलेटेड में एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड में जो इंफॉर्मेशन देते हैं ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन के एज प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर इट आर्टिकल 78. तो ये सब आर्टिकल 78 के अंतर्गत ये अधिकार पाते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सॉरी. एंड द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विथ द स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर. बोला कि किसमें से कौन सा आर्टिकल है जो स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डील करता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज यू कैन से दैट इट इज मोस्ट पावरफुल आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर. इट हैज़ मोर पावर एज बिकॉज दे आर सो क्लोज टू द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर. ही चूज द प्राइम मिनिस्टर बाई सीइंग देयर स्कोप एबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइक दैट. So the question is saying that the council of minister is collectively responsible for whom. So it is Lok Sabha, because the council of minister they are appointed by the public, so they are responsible to the Lok Sabha, and prime minister is also a member of the Lok Sabha, you can say that. Another question is that which of the following article deal with the state executive in the constitution of India. So your correct option is article 153 to 167. Another question is that by which of the following constitutional amendment same person as the governor for the two or more state. ये पूछ रहा है कि किस constitutional amendment के अंतर्गत एक पर्सन जो है गवर्नर हो सकता है दो या दो से अधिक स्टेट का. तो योर ऑप्शन इज अंडर बाय 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑप्शन बी. एंड अदर क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज दैट By which of the following warrant under his hand and seal government is appointed. So by which of the following warrant under his hand and seal governor is appointed. So your option is option C, the President of India. So this is your last question of this session. I hope it is beneficial for your entrance exam preparation. If you enjoy this video, then do like the video and subscribe the channel. Thank you for watching.